बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मैं कुछ ऐसी न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ जिन जिनसे आपको फ़ायदा तो होता है और साथ में कुछ यार कुछ क्या बोलता हूँ मैं अभी, कुछ ऐसे बंदे जो कंट्रीज़ का नाम बदनाम करते हैं और वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानी या इंडियन भाई हैं या बंगाली भाई हैं, ऐसे बंदों की वजह से यानी कि उनका नाम भी बदनाम होता है, लोग देखते कुछ इस नज़र से हैं। आपके साथ मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ शेयर की थी, हज के दिनों में 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए थे मक्का में, गोल्ड के नाम के ऊपर इतने इतने सिक्के बेच रहे थे गोल्ड के, यानी कि गोल्ड जैसे, यानी कि दिखाते कुछ और थे और जब देना होता था उस टाइम कुछ और दे देते थे। 5 ग्राम और 10 ग्राम के बिस्कुट बोल रहे हैं जी, वो बेच रहे थे गोल्ड के, हाजियों को लूट रहे थे, तो गिरफ़्तार हो चुके हैं जी। अभी एक और पाकिस्तानी इंडियन बंगाली, और मैं यहाँ पर आपको पहले यार एक वीडियो क्लिप मैं सुना दूँ, आप छोटा सा ये क्लिप सुन ले, उसके बाद आपको बता भी देता हूँ। جهود مستمرة للجهات الأمنية في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسولين. ففي منطقة مكة المكرمة تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية. ये तो क्लिप आपने सुन लिया, पाकिस्तानी बकायदा बोला गया है और मक्का अल मुकरमा से गिरफ्तार हुआ है जी, और भीख मांग रहा था, गाड़ियां यहाँ पर रुक रही हैं, वहाँ पर खड़ा हुआ है, भीख मांग रहा है, गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद एक यमनी को गिरफ़्तार किया गया। एक चीज़ के ऊपर नज़र रखे, जब बल्दिया वाले पहले आते थे 600-800 रियाल सैलरी है, प्लस 200 रियाल खाने का, प्लस 300 रियाल ओवर टाइम आ जाता है, और ऊपर से लोग पैसे देते थे इनको 5-5 सौ, 1000-2000 ये महीना कमा लेते थे ऐसे ही। तो अभी इनके खिलाफ़ भी सख्ती हो चुकी है, यानी कि एक मक्का की मस्जिद में देखने गिरफ़्तार हुआ है और दूसरा बाहर नज़ाफा यानी कि सफाई वगैरह जो करने वाला बाहर घूमता है वहाँ पर, एक गाड़ी वाले ने उसे पैसे दिए हैं, खुद रुक कर उसको पैसे दिए हैं, तो इस चीज़ के ऊपर भी उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक खातून भी गिरफ़्तार हुई है। तो ये तो हो, चलो जी हो गया जो होना था, यानी कि जो सफाई वगैरह वाले हैं वो मांगते तो नहीं है, उनको पकड़ा जाता है वो अलग से मामला है, लेकिन अगर आप कहीं से भीख मांग रहे हैं तो आप अपना क्या भाई, दूसरे जो वहाँ पर रहने वाले आपकी कंट्री के बंदे हैं उनका नाम भी बदनाम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी ऐसा पेशा मेरे हिसाब से जेब नहीं देता है, आप इससे बेहतर यही है कि मुल्क अपने का सफर कर लें, यहां पर आकर मेहनत मजदूरी कर लें।